टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा एक और बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हैं। इंडिया के खिलाफ 24 फरवरी से अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में होने वाले तीसरे मैच में अगर वे खेलती हैं तो ये उनके करियर का 100वां टेस्ट होगा। इसके साथ ही ईशांत टेस्ट मैच के शतक जमाने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज और ओवरऑल 11वें क्रिकेटर बन जाएंगे। भारतीय तेज गेंदबाज में उनसे पहले सिर्फ कपिल देव ही ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी गति से 300 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 98 टेस्ट में ये अचीवमेंट हासिल की। उन्हें सबसे तेज 300 विकेट तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी एक अन्य भारतीय गेंदबाज रविंद्र चंद्र अश्विन के नाम है। अश्विन ने 54 टेस्ट मैचों में 300 विकेट पूरे किए थे। ईशांत ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 25 टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वे 19 मैच खेल चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने सबसे कम एक एक टेस्ट मैच खेले हैं। जहां तक विकेट लेने का सवाल है तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा 61 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 59 विकेट लिए हैं। ईशांत ने अपने करियर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच भारत में खेले हैं। भारत में उन्होंने 39 टेस्ट खेले हैं। भारत के बाहर उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में 13 खेले हैं। इंग्लैंड में वे अब तक 12 टेस्ट खेल चुके हैं। वे 2007 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एक साल में से ज्यादा विकेट के लिहाज से 2011 और 2018 में उनके लिए सबसे अच्छा रहे हैं। 2011 में उन्होंने 12 टेस्ट में 43 और 2018 में 11 मैचों में 41 विकेट लिए थे।